लोकसभा चुनाव की मतगणना 23 मई को होगी। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र की ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। 23 मई को प्रातः 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। इसको लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा अनुसार टेबल व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा व अन्य तैयारियां की जा रही है। लोकसभा चुनाव की 23 मई को होने वाली मतगणना के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। इसके लिए काउंटिंग प्लान तैयार किया गया है। बाड़मेर जैसलमेर संसदीय सीट पर 29 अप्रैल को मतदान हुआ था। इसके बाद सभी 8 विधानसभा की ईवीएम व वीवीपैट को लेकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। इसकी 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर मतगणना की तैयारियाँ की जा रही है। इन कमरों में मतगणना होनी है, उनके कक्ष के साथ ही उसके आसपास वाले कक्षों को भी तैयार किया गया है, जिनमें मत पेटियों को रखा जाएगा। कमरे में 14-14 टेबल लगाई गई है। इनमें एक साथ 14 ईवीएम की मतगणना होगी। इसमें हर टेबल पर 3-3 कर्मचारियों को जिम्मेदारियाँ दी गई है। इसके अलावा 1-1 कर्मचारी स्टैटिक के लिए तैनात रहेगा। कुल 600 कर्मचारियों को मतगणना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता के अनुसार तैयारियां की जा रही है व किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन विभाग द्वारा जारी किए गए पास के बिना मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सबको पता है 23 को मतगणना है, तो हमारा पीजी कॉलेज में 8 बजे से मतगणना चालू होगी, जो निर्देशन ईसीआई के, तो उसमें हमारी टीम तो पहले आ जाएंगी। व्यवस्थाओं में जो मेन गेट है पीजी कॉलेज का, वहाँ से प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी को इंट्री लेंगे। जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनकी, जो एफसीए के सामने वाला जो गेट है जहाँ से हमारी बसों की रवानगी हुई थी, वहाँ से उनकी एंट्री रहेगी। मेटल डिटेक्टर जो डोर होता है उसके माध्यम से, और बिना पास के किसी भी व्यक्ति को मतगणना स्थल में एंट्री नहीं देते। तो पॉलिटिकल पार्टी से भी आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो टाइमली अपने जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनके पासेस एआरओ स्तर पर बनाए जाएँ, तो वहाँ पर वो अपने नाम दे के, क्योंकि उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा, वो जल्दी पासेस अपने इशू करा लें ताकि उस दिन हमें कोई कोऑर्डिनेशन इशू ना आए। कोई भी प्रत्याशी जो जीत है उसको जुलूस वगैरह निकालने के लिए कोई परमिशन वगैरह है या वो? तो उस समय अगर कोई परमिशन जैसी व्यवस्था होगी वो समय डिसाइड किया जाएगा। बाकी हम ये सुनिश्चित कराएंगे कि मतगणना स्थल से रवानगी जो है, चाहे वो हारे हुए दल का हो या जीते हुए दल का हो, वो शांतिपूर्वक रवानगी होकर पूरे शहर में, बाड़मेर में शांति रहे, इसकी पूरी व्यवस्था करेंगे पुलिस के माध्यम से। मतगणना में लगे अधिकारियों के अनुसार विधानसभा चुनाव की मतगणना में केवल 1-1 वीवीपैट की पर्चियां की गणना की गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में यह हर विधानसभा में 5-5 वीवीपैट रखी गई है। यह मतगणना के अंतिम चरण में होगी। इसमें सभी पर्चियों को निकालकर गिना जाएगा। साथ ही मतगणना को लेकर कॉलेज के बाहर दोनों छोर पर बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद किए जाएंगे।